असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टुल। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने फर्स्ट चैप्टर को वेरी डिटेल में पढ़ा, समझा और आपने रेस्पॉन्ड किया था। तो आप ही में से कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है कि हमें इस फर्स्ट चैप्टर के जो रिमेनिंग प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व करवाएं। तो इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम मैं आपको सॉल्यूशंस दिखा रहा हूँ कि आप समझ जाएंगे कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज प्रॉब्लम्स। तो आपको याद होगा कि फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट प्रॉब्लम को हमने एक क्लिप में सॉल्व किया था, एक लेक्चर में, जो कि रिलेटेड था, जी हाँ आपको याद आ रहा होगा, रिलेटेड था अनसर्टेन वैल्यूज के साथ। तो आज हम सेकेंड प्रॉब्लम की बात करेंगे, तो वो आप आसानी से समझ जाएंगे अगर आपको रिलेशंस ऑफ डिफरेंट रिलेशन, ज्योमेट्रिकल रिलेशंस अगर आपको याद हैं या मैं आपको बता रहा हूँ। तो सेकेंड प्रॉब्लम है, मैं क्या कहता है कि यू हैव टू कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस मीन्स किसी भी सर्कुलर चीज की गोलाई की नाप लेना। जी हाँ, इस सर्कुलर लाइन की कंप्लीट मेजरमेंट को हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। इज दिस क्लियर? तो इसकी नाप लेनी है, इट मीन्स कंप्लीट सर्कुलर लाइन की मेजरमेंट करनी है, इसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। लेकिन सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कुलर बॉडी को कैलकुलेट करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। सो लेट्स सी, रेडियस इज गिवन हियर, यू हैव टू डिटरमाइन द सर्कमफ्रेंस इन द फर्स्ट पार्ट, बट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम यू हैव टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ एनी सर्कल। जी हाँ, एक और सर्कल है जिसकी रेडियस अलग दिया हुआ है, लेकिन आपको कैलकुलेट करनी है उसकी एरिया। उसकी एरिया की हम बाद में बात करते हैं। लेट्स सी हाउ कैन वी कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस। तो ए प्रॉब्लम के लिए आपकी गिवन डेटा ये बन रही है कि रेडियस इज गिवन, यू हैव टू डिटरमाइन ओनली द सर्कमफ्रेंस, एंड द रिलेशन फॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल इज वेरी फेमस इन द बेसिक क्लासेस यू न्यू, दैट इज इक्वल टू पाई आर। जी हाँ, किसी भी गोलाई की नाप को कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू यूज दिस ज्योमेट्रिकल फार्मूला। टू इज कांस्टेंट ऑफ ए, पाई इज कांस्टेंट ऑफ द रेशियो ऑफ द सर्कल, दैट इज अगेन 3.14। यू नो आर ओनली वेरिएबल इज दिस एंड रेडियस इज गिवन 3.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दीज थ्री वैल्यूज। यस, बाय मल्टीप्लाइंग ऑल दीज थ्री वैल्यूज यू विल गेट द 21.98 वैल्यू। लेकिन आपको याद होगा कि जो भी वैल्यू गिवन हो, फाइंड आउट हो रहा है, तो उसको आपको राउंड ऑफ करना होता है। राउंड ऑफ क्यों करना होता है कि हमें देखना होता है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर गिवन इन एनी गिवन डेटा आर रीडिंग। सो लेट्स सी, 3.5 मींस दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपको एंसर में चार नहीं, अगेन दो रखने चाहिए। ये उसूल है मेजरमेंट का, और प्रॉब्लम सॉल्यूशन में आपको इन सिग्निफिकेंट रूल्स को हमेशा अप्लाई करते रहना है, जो कि आपने लास्ट लेक्चर में पढ़े हुए हैं। तो देखिए, 9 को आपने राउंड ऑफ करना है, बिल्कुल 9 को आपने ड्रॉप करना है। जब 9 को आप ड्रॉप आउट करेंगे तो देखिए कि 9 इज ग्रेटर देन 5, एंड यू नो दैट हमने रूल पढ़ा था, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज ग्रेटर देन 5 देन यू हैव टू ऐड 1 into the retained digit। जी हाँ, अब इस 1 में एक आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22, and this is only the measurement of the length, the unit of the length is the centimeter, so this is the circumference of that circle whose radius is 3.5 centimeter, then its circumference will be equal to 22 centimeters। I hope you are clear। Yes, my dear students, तो फर्स्ट पार्ट में आपने सॉल्व कर लिया कि हाउ कैन वी कैलकुलेट द सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल, दैट वॉज 2πr, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट इन द सेकेंड पार्ट द एरिया ऑफ द सर्कल। यस, द एरिया ऑफ एनी गिवन सर्कल, अगेन रेडियस विल बी गिवन देयर, यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया। जी हाँ, एरिया को कैलकुलेट करने के लिए वो फार्मूला यूज नहीं करेंगे, वो सर्कमफ्रेंस के लिए था, अब आपको यूज करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर, दैट इज द रिलेशन फॉर द एरिया ऑफ एनी सर्कुलर थिंग।
सो इट मीन्स बाय रिप्लेसिंग वैल्यूज, पाई की वैल्यू आपको पता है, आर रेडियस गिवन है, उसकी स्क्वायर करनी है पहले, जी हाँ स्क्वायर कर लिया हमने, ये आंसर आया और इस आंसर को इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आंसर हमें फाइनल मिल गया. लेकिन अगेन यू हैव टू अप्लाई द लॉ ऑफ द रूल ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स, बिकॉज यहाँ पर जो लीस्ट गिवन सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको नजर आ रहे हैं वो तीन हैं, तो आपको भी जवाब में तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको रिमेनिंग बचाने हैं, रिटर्न करने हैं. लेट्स सी, तो 67.89465 समथिंग इज देयर, यू हैव टू ड्रॉप दिस डिजिट फ्रॉम दिस डिजिट एंड दिस डिजिट इज अगेन ग्रेटर देन 5, सो यू हैव टू ऐड 1 इनटू द रिटर्न डिजिट, तो ये 8 में से 9 हो जाएगा, तो 67.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज दिस इज एरिया नॉट द सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस एक किस्म की लेंथ होती है और एरिया होती है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आप यूनिट लिखेंगे, 67.9 इज वेरी सिंपल आंसर ऑफ द एरिया ऑफ एनी. यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो थर्ड प्रॉब्लम में देखते हैं कि क्या हमसे पूछा गया है. जी हाँ, थर्ड प्रॉब्लम में हमसे ये पूछा गया है कि शो दैट द एक्सप्रेशन, आप ये दिखाएं कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो इक्वेशन है आपको नजर आ रही होगी, जिसको आप कहते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको आप कहते हैं वेलोसिटी इंडिपेंडेंट इक्वेशन, ये थर्ड चैप्टर में चलकर आप पढ़ेंगे. तो इस इक्वेशन को आपने साबित करना है कि इज दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट. तो हमने डायमेंशंस को पढ़ा था बड़ी डिटेल के साथ, अब हम उसको अप्लाई करने जा रहे हैं कि डायमेंशन से रिलेटेड कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं इन योर एग्जाम्स. सो इस किस्म का प्रॉब्लम आ सकता है, वेयर एस इज कोऑर्डिनेट, एक्स एस एक कोऑर्डिनेट है, यानी कि एक किस्म की लेंथ है एंड हैज अ यूनिट ऑफ लेंथ, तो आप समझ गए होंगे कि एस डिनोट्स योर डिस्टेंस एंड वी आई डिनोट्स द वेलोसिटी, टी इज द टाइम, ए इज द एक्सलेशन. तो जो भी इस इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्वांटिटीज मौजूद हों, पहले तो आपको उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि ये कौन सी क्वांटिटीज हैं, इनकी अपनी क्या डायमेंशंस हैं. अब इनकी डायमेंशंस आप जानते हैं तो आप साबित कर सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. जी हाँ, तो अब पहले आपको ये लिखना होगा कि व्हाट इज गिवन. आप देख रहे हैं कि हमें इंडिकेट किया हुआ है कि एस क्या चीज है, लेंथ है, वी आई क्या चीज है, वेलोसिटी है, ए एक्सलेशन है, टी टाइम है, तो इनकी डायमेंशंस पहले आपको गिवन डेटा में लिखनी चाहिए. तो गिवन डायमेंशंस है एस, एस इज एक्चुअली लेंथ, लेंथ है तो सिंपली आप इसको एल से डिनोट करें. वी आई क्या चीज है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो आप पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी की डायमेंशन ये होती है लेंथ पर यूनिट टाइम. जी हाँ, कहते हैं लेंथ पर टाइम. अच्छा, एक्सलेशन की बात हो रही है तो एक्सलेशन की डायमेंशन आपने पढ़ी थी लेंथ पर टाइम स्क्वायर के साथ. एंड आफ्टर दैट टी, टी इज व्हाट, टाइम, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी के साथ डिनोट करते हैं. तो सारी डायमेंशंस आपको आ रही हैं, आप पढ़ चुके हैं. नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू शो, तो अब दिखाने जा रहे हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं. तो इसको आप इक्वेशंस को एक मर्तबा लिखेंगे कि कौन सी इक्वेशन हमें गिवन है. जी हाँ, ये इक्वेशन गिवन है. अब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इनमें जिसकी भी जो भी डायमेंशन गिवन है उसको आप सब्स्टिट्यूट कर लें, फिर देखते हैं कि दिस इक्वेशन इज बाय नेचर बाय डायमेंशन इज करेक्ट और नॉट. लेट्स सी, अब एस की जगह आप क्या रिप्लेस करेंगे, एस की जगह आप लिखेंगे कि एस एक किस्म की लेंथ है, वी आई वेलोसिटी है, चाहे इनिशियल हो या फाइनल हो लेकिन वेलोसिटी है. अच्छा, वेलोसिटी है तो उसकी डायमेंशन होनी चाहिए लेंथ पर टाइम. एंड टी क्या है, टाइम है, तो इसकी डायमेंशन आप जानते हैं टी. सो प्लस ये हाफ, हाफ जो भी ये डिजिट्स कॉन्स्टेंट्स होते हैं, डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इनके बारे में डायमेंशन हमें कुछ नहीं बता दी, आप इसको ऐसे ही लिख लें. ए एक्सलेशन, एक्सलेशन की डायमेंशन क्या होगी, आप कहेंगे लेंथ पर टाइम स्क्वायर. टी की डायमेंशन अगेन टाइम होगी, टाइम स्क्वायर हो जाएगा. तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, पर टाइम ये टाइम आपस में कैंसिल हो रहे हैं, समझ गए,
कि टाइम है ये रेसिप्रोकल ऑफ टाइम है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, या ऐसा कह सकते हैं कि टी टाइम इज द बेस्ट माइनस वन पावर प्लस वन पावर, दोनों को ऐड करेंगे दैट विल बिकम जीरो, एंड जीरो किसी भी चीज़ का पावर हो तो दैट बिकम्स वन, और वन मल्टीप्लीकेशन में तो होल आप नहीं लिखते, ये नए बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ. ओके सो लेंथ इज देयर हाफ, ठीक है. लेंथ पर टाइम स्क्वायर, ये भी पर टाइम स्क्वायर, ये पर टाइम स्क्वायर है और ये टी स्क्वायर है, वो प्लस पावर है ये माइनस टू पावर है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ओनली लेंथ इज देयर. अब आपने इस इक्वेशन में देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी फकत लेंथ की डायमेंशन बची है और राइट हैंड साइड पर भी फकत लेंथ की ही डायमेंशन बची हुई है. इट मीन्स दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट है कि हम लेंथ को फाइंड आउट करना चाहेंगे इस रिलेशन के साथ और वाकई हमें लेंथ ही मिलेगी, उसकी वैल्यू चाहे कुछ भी हो लेकिन उसकी नेचर लेंथ वाली होगी. तो आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी डायमेंशन लेंथ है और राइट हैंड साइड पे भी जो भी जितनी भी टर्म्स हैं उन सब की जो डायमेंशन है वो लेंथ है. तो आप कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज होमोजेनियस. जी हाँ, होमोजेनियस का मतलब है कि सारे टर्म्स एक ही डायमेंशन रखते हैं. दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. किसी भी इक्वेशन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको अप्लाई करना होता है, जिसमें देखना होता है कि चाहे जितने भी टर्म्स हों उन सब की डायमेंशंस डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो लेंथ ही है. तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर पूरा उतरती है इक्वेशन, इस वजह से ये रिलेशन करेक्ट है. लेकिन कैसे डायमेंशनली? जी हाँ, फिजिकली करेक्ट होना और बात है, जिसमें सही कांस्टेंट वगैरह की बात हो तो आप कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, सो दैट इज योर आंसर. तो ये थर्ड प्रॉब्लम था. Yes, my dear students. So third problem के बाद now come to the fourth problem. Fourth problem में आपसे क्या पूछा गया है? जी हाँ, इस problem में आपसे पूछा गया है कि suppose the displacement of particle. Displacement की nature आप समझना चाहिए कि length ही होती है. Displacement कहें या distance कहें, ये dimensionally length ही होती है. पार्टिकल इज रिलेटेड टू अ टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू एन एक्सप्रेशन. ये एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है. इस एक्सप्रेशन में एस डिस्टेंस है, टी टाइम है, टाइम के ऊपर एक क्यूब दिया हुआ है, ठीक है. सी एक कांस्टेंट है, लेकिन ये सी एक कोई कांस्टेंट है लेकिन डायमेंशनल कांस्टेंट है. सो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट सी? जी हाँ, फकत सी की कांस्टेंट्स की आपने डायमेंशन डिटरमाइन करनी है, दैट्स ऑल. इस प्रॉब्लम का इतना ही मतलब है. तो आप पहले लिखेंगे कि व्हिच वन इज द गिवन रिलेशन. तो गिवन रिलेशन आपको ये दिया हुआ है, ठीक है. तो आपको वेयर आप कह सकते हैं कि एस क्या चीज है, एस डिस्प्लेसमेंट है जिसकी डायमेंशन एल होती है. टी क्या चीज है, टाइम है, टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी में लिखेंगे. तो टू डिटरमाइन टू फाइंड आउट किसकी डायमेंशन करनी है आपने, सी की. सी क्या चीज़ है, ये एक डायमेंशनल कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन हमें पता नहीं है, आपने बतानी है. अच्छा, किस तरह बताएंगे? सो नाउ कम टू द सॉल्यूशन. सिंपली सॉल्यूशन में आप कहेंगे कि सी की डायमेंशन डिटरमाइन करनी है, तो इसी इक्वेशन में आपने इनकी डायमेंशन पुट करनी है और सी की डायमेंशन सिंपली डिटरमाइन कर लेनी है. तो सॉल्यूशन में देखिए कि s इक्वल टू सी टी क्यूब, दैट वाज द रिलेशन. s की डायमेंशन आप क्या लिखेंगे, l, c, t की डायमेंशन t, लेकिन होल क्यूब ही होगा. अच्छा, c की डायमेंशन आपने डिटरमाइन करनी है, तो टाइम मल्टीप्लीकेशन में है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आप इसको इस तरह लिखेंगे. लेकिन आपको पता है कि डायमेंशंस में सारी डायमेंशन बेसिक को आपने प्रोडक्ट में लिखना होता है, तो इस टी क्यूब को ऊपर ले आएंगे, ये पर टाइम क्यूब हो जाएगा. सो दीज आर द सिंपली डायमेंशंस ऑफ द. यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिफ्थ प्रॉब्लम जो कि लास्ट प्रॉब्लम है, इसमें आपने क्या कैलकुलेट करना है? इसमें कुछ आपसे डिफरेंट पूछा गया है. इसमें आप
में आपसे पूछा गया है कि पाकिस्तान की अगर 5 लाख गाड़ियां हो तो वो एक साल में कितना सालाना खर्च करेंगी गैसोलीन मीन्स पेट्रोल, या आप कह सकते हैं कि जो भी फ्यूल है, तो फ्यूल कितना कंज्यूम करेंगी कॉस्ट इन 1 ईयर, यू हैव टू एस्टिमेट दिस, तो आपने इसका अंदाजा लगाना है। सो वेरी सिंपल प्रॉब्लम इज दिस, नंबर ऑफ कार्स आर गिवन 5 लाख, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप इसको लिखेंगे, फिर आप कैलकुलेशन करना आसानी हो जाती है। एवरेज डिस्टेंस हर गाड़ी कितना चल रही है तकरीबन एक साल में, 16,000 किलोमीटर, दैट इज गिवन। गैसोलीन कंजम्पशन उसकी एवरेज गाड़ी की खर्च करने की एबिलिटी क्या है, दैट इज 6 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि 6 किलोमीटर में 1 लीटर खर्च कर रही है। तो 16,000 किलोमीटर अगर चलेगी तो फिर कितना खर्च करेगी, फिर एक गाड़ी का खर्चा निकल आए तो फिर आपने सॉल्व करना है कि 5 लाख गाड़ियां कितना तेल खर्च करेंगी, तो जाहिर है ज्यादा खर्च करेंगी, तो उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आपने ये डिटरमाइन करना है कि व्हाट इज द टोटल कंजम्पशन बाय ईच कार। तो टोटल कंजम्पशन बाय ईच कार को सिंपली हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ईच कार एंड द गैसोलीन कंजम्पशन, यानी कितना डिस्टेंस वो गाड़ी चली है और उसकी कंजम्पशन क्या है, इन दोनों के रेशो को हम कहते हैं टोटल कंजम्पशन। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस जो गाड़ी चल रही है एक साल में हर एक गाड़ी, वो है 16,000 किलोमीटर, ठीक है। तो इसके साथ आपने डिवाइड करना है गैसोलीन कंजम्पशन उसकी एवरेज कितनी है, यानी कि 1 लीटर में वो कितने किलोमीटर कवर कर रही है, तो दैट इज गिवन 6 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है, ये आपने लिख लिया। लेकिन ये है खर्चा ईच कार का, लेकिन आपने डिटरमाइन करना है फॉर 5 लाख कार्स, तो ये एक कार का खर्चा था। टोटल कंजम्पशन के लिए आप टोटल फॉर 5 लाख गाड़ियों के लिए कितना खर्चा होगा, तो इस खर्चे को 5 लाख मरतबा बढ़ा दें। 5 लाख मरतबा बढ़ाने से आपको सारी गाड़ियों का खर्चा तेल का निकल आएगा सालाना। अब ये देखें कि फार्मूला कैसे बैलेंस भी है, किलोमीटर को आप किलोमीटर के साथ कैंसिल कर सकते हैं, अब इनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है और 6 के साथ आपने डिवाइड करना है, और ये लीटर डिवीजन के डिवीजन में है तो ये ऊपर आ जाएगा, तो आप इसको लिख सकते हैं लीटर। तो वाकई कंजम्पशन आपको लीटर में मिलनी चाहिए, तो लीटर में ही मिल रही है कि सालाना इतना तेल का कंजम्पशन है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो पहले मैं चाहूंगा कि इसको सिंपली 16 टाइम्स 5 क्या होता है, तो आप कहेंगे 80 होता है, ये 80 मैंने लिख लिया है, 10 पावर 3 है, ये 5 है, इसको हमने ऐड कर लिया और इसको आपने 6 के साथ डिवाइड करना है। 80 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 13.333 ऐसे होता रहेगा, 10 पावर 8 लिख ले, तो ये तेल का खर्चा है सालाना 5 लाख गाड़ियों के लिए। तो ये प्रॉब्लम भी आपके लिए सिंपल हो गया। आई होप के फर्स्ट चैप्टर अब कंप्लीट हो गया। आप इसमें से जो भी प्रैक्टिस करना चाहें, जो भी आपको मुश्किल लगे उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आगे हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, अबाउट द स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सी यू अगेन।